शासन के निर्देश पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में भूखमरी की दशा, बीमारी एवं मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण अंचल में किसी परिवार की आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न विपन्नता से भूखमरी का शिकार न हो, इसके लिए शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे परिवार को ग्राम पंचायत तत्काल 1000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि से कराएगी। इसके अलावा गरीबी की वजह से कतिपय परिस्थितियों में बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं होने वाले परिवार को ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग से 2000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा अंत्येष्टि कार्य के लिए ग्राम पंचायत द्वारा 5000 रुपए तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, सरकार द्वारा लाए गए जीओ के अनुसार अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो, जिसके पास कोई जीविकोपार्जन का कोई साधन ना हो, तो उसे ग्राम पंचायत द्वारा राजवित्त से एकमुश्त 1000 रुपया की धनराशि की मदद दी जा सकती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के पास जो कि बीमार हो, उसके पास कोई भी कार्ड ना हो, लाइक प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड या मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड या कोई इस तरह का कोई भी स्वास्थ्य रिलेटेड कोई कार्ड ना हो, तो उसको ग्राम पंचायत एकमुश्त 2000 रुपया की धनराशि दे सकती है। इसके अलावा अगर किसी के घर में किसी का मृत्यु हो गई हो, उसके बाद दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं हो, काफी आर्थिक विपन्नता से गुजर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी ग्राम पंचायत 5000 रुपया एकमुश्त दे सकती है। इस तरह किसी भी सहायता को पाने के लिए, क्योंकि अभी प्रधान नहीं है, पदेन नहीं है, तो इसलिए सचिव के सम्मुख उन्हें आवेदन करना होगा। पात्रता सही पाए जाने पर, अगर व्यक्ति पात्र पाया जाता है, तो ग्राम पंचायतें जो धनराशि बताई गई उसकी एकमुश्त सहायता ऐसे व्यक्ति को कर सकती है। और एक शर्त यह है कि जो कुल धनराशि, कुल जो ऐसे सहायता की जाए, वो राजवित्त की कुल धनराशि जो ग्राम पंचायतों को मिलती है उसका 3% से अधिक ना हो। ये सरकार का एक सराहनीय पहल है।